अरे लक्ष्मी, तुम अभी तक यहीं खड़ी हो? कितनी मधुर धुन है। ओहो, कितनी बार कह चुका हूँ, खाना लगाओ भाई। मास्टर जी, जब भी आप ये धुन बजाते हैं मैं सभी कुछ भूल जाती हूँ। विजय बेटा भी अब खूब सीख गया है, कितना सुंदर बजाता है। जब से सूखा पड़ा है और तो कोई संगीत सीखने ही नहीं आता, सोचा बेटे को ही सिखा दूं। बस बंद कर बेटा, वरना तेरी माँ हमें खाना नहीं देगी, खड़ी खड़ी तेरी धुन ही सुनती रहेगी। पार्वती बेटी अंदर बैठी पढ़ रही है। माँ, तुम्हारे वो फोटो खो गई थी ना, मुझे मिल गई, ये देखो। अरे कहाँ मिली? रामायण में रखी थी। मैं रख लूँ? रख ले बेटा, रख ले। मेरा बेटा, मेरा बेटा, कितना सुंदर बजाता है तू, मेरा बेटा। चलो भाई, चलो चलो चलो, बड़ी भूख लगी है। लक्ष्मी, ये सारी रोटियां हम ही को दे दी? आप घबराइए नहीं, मेरे लिए भी है। लो बेटा। पंडित जी, पंडित जी। ये कौन आ गया भाई? थाली छोड़कर मत उठिए, मैं देखती हूँ। ओ दीनानाथ जी। अब्दुल चाचा। पंडित जी हैं। क्या बात है? मेरी बच्ची दम तोड़ रही है। बेटा तुम लोग खाओ, मैं अभी आता हूँ। क्या बात है अब्दुल भाई, खैरियत तो है? मेरी बच्ची ने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है, भूख और प्यास से तड़प तड़प कर दम तोड़ रही है। अगर एक गिलास पानी मिल जाता तो बड़ी मेहरबानी हो। अरे इसमें मेहरबानी का है कि भाई, मैं अभी आया। बापू चलो अब्दुल चाचा के घर चले। वाह बेटा वाह, चलो चलो चलो। चलो बेटा चलो। मैं अभी आया, चलो अब्दुल चाचा। भगवान का दिया, आपके पास तो सब कुछ है, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, इन्हें एक वक्त की रोटी उधार दे दीजिए, वरना आज खून खराबा हो जाएगा। ए, लीडर बन के आया है, भीड़ इकट्ठी करके लाया है और हमें धमकाता है कि खून खराबा हो जाएगा। रोटी तो क्या एक दाना तक नहीं मिलेगा अनाज का, ये भूखे गरीबों पर जुल्म है। कोस चलकर तू मुझे ये बताने आया है कि गांव के कीड़े मकोड़ों ने दुकान लूट ली? वो दुकान तेरी बहन के दहेज में नहीं आई है, वो दुकान मेरी है। वहां मेरा ब्लैक का काला रुपया सफेद होता है। मैं चंद दिनों के लिए बंबई चला गया और तुझसे जरा सी दुकान नहीं संभाली गई। मैं तुम्हारे बचपन का दोस्त हूँ रंजीत सिंह, तुम्हें नौकरों के सामने इस तरह मुझे जलील नहीं करना चाहिए। तुम काले धंधे करते हो, तुम्हारा चरस गांजा स्मगलिंग चोरी डकैती का माल सब मैं ही तो छुपा कर रखता हूं। आज तक गड़बड़ हुई है, अब वो दीनानाथ सारी बस्ती को हंका कर ले आया तो मैं क्या करता? कौन है ये दीनानाथ? अब बोल क्या बोलता है? क्यों मार रहे मुझे भाई, क्या कसूर किया मैंने? तेरा कसूर यह है कि तूने हमारे साहूकार पर भूखे नंगे लोगों से हमला कराया। जिन चींटियों को हम पैरों तले रौंदते आए हैं तूने उन चींटियों को काटना सिखाया। तू ये भूल गया कि लूटने का हक सिर्फ हमारा है, क्योंकि लाठी भी हमारी है और भैंस भी हमारी है। आपके पास पैसे की ताकत है, आपका पैसा नहीं चाहते, महल भी नहीं चाहते साहब, तो सूखी रोटी चाहते। क्या हमें वो भी नहीं मिल सकती? यही हमारा अपराध है, क्या हमें जीने का कोई अधिकार नहीं? नहीं, तुम्हें सिर्फ उतनी सांसें लेने का अधिकार है जितनी सांसें लेने की इजाजत हम तुम्हें देंगे। पैसे का इतना इनकार है, ये मत भूलो, भगवान ने तुम्हें भी गिन कर सांसें दी है।
लाठी तुम्हारी नहीं उसी की है, और भैंस भी तुम्हारी नहीं उसी की है। क्या कहा? अब बोल क्या बोलता है? प्यारे क्या बेटा, अपनी माँ को बचा ले। भगवान से भागने ना पाए। भगवान से खत्म कर दो इसके पूरे खानदान को। आपका जाएगा कहाँ? अब तक मेरे आदमियों ने पूरा गांव जलाकर राख कर दिया होगा। अरे बेटा, तुम्हारी माँ अंदर जलकर मर गई। नहीं अंदर जाकर क्या करेगा तू? वो तो मर गई। अब अपनी बहन को संभाल। घरवाली तो जिंदा है, जाओ उसे बचाओ, जल्दी जाओ। शक्लें तक पहचानी नहीं जाती। लक्ष्मी, किसका नाम है लक्ष्मी? लक्ष्मी जल्दी दो, जल्दी, ये तुम्हें बुला रहे हैं। हवादार साहब, मैं आ गई हूँ। सर, आपने बच्चों को ढूंढ रही थी। मिल गए। मिल गए। समझा, रो मत बहन, रो मत। लगता है मेरा भी वक्त आ गया है, मैं भी जाने वाला हूँ। नहीं बाबा, नहीं। इस बेटे अमर के सिवाय मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है बहन जी। बड़ी तमन्ना थी कि इसे पुलिस इंस्पेक्टर बनाऊंगा, पर ऊपर वाले को मंजूर ही नहीं था। आप फिक्र मत कीजिए, मैं इसे जिंदगी भर अपनी छाती से लगाए रहूंगी। मैं और मेरे पति दोनों मिलकर इसे एक अच्छा पुलिस अफसर बनाएंगे, मैं वादा करती हूँ। आपने आपने तो मेरा मरना आसान कर दिया बहन जी, मरना आसान कर दिया। दीनानाथ जी, पंडित जी। आगे वो, चल बेटा अमर, चल चल चल। पंडित जी, रोती क्यों है? मत रो,
रोते नहीं, मत रो। बड़ी जोर से भूख लगी है भैया। अरे कौन है तुम लोग, डरो मत, बैठो बैठ। कहाँ रहते हो? घर घर दूर गांव में। गांव में? तो यहाँ कैसे आए? चल चल पा रहा। अरे कहाँ जाते, इसे भूखा मारेगा क्या? चल भूख लगी है ना, मैं खाना दूंगी। लो खा। नहीं हमें भूख नहीं। अरे बेटे रोते नहीं है, खाओ लो। अच्छे बच्चे मैं तुम्हारी माँ हूँ, हाँ, और मेरा नाम है गंगा, ये मेरा मंगू है। मंगू क्या? अच्छो अच्छो। तुम्हारे माँ बाप कहाँ है? माँ को तो आग में जला के मार डाला। और बाप? बापू को तो जंगल में ले जाके छुरे से मार डाला। किसने? पता नहीं, अंधेरे में मैंने सिर्फ उसकी पीठ देखी, चेहरा नहीं देख पाया। गंगा, ओ गंगा, अरे वाह, ये दोनों कब पैदा कर लिए गंगा भाई? अपुन के सगे वाला है, बोल क्या चाहिए? इस खोली का भाड़ा। भाड़ा? अपुन के पास काम ही नहीं आजकल, भाड़ा कहाँ से दो? तो इस खोली को खाली कर। अरे वाह, खोली तेरे बाप का है क्या? गवर्नमेंट की जगह है ये, समझा? हमें कानून से काती है, चल तू इसी वक्त इस खोली से बाहर निकल, नहीं तो तेरा पूरा कबाड़खाना बाहर फेंक दूंगा। अरे तू उसे कबाड़खाना कहते है? मेरी जिंदगी भर की कमाई है, देख कर लूं। कह दे कि तूने इसे हाथ लगाया तो अच्छा नहीं होगा। चला छुड़िया। ए खोखी, कबाड़ कर। कबाड़ कर। अरे मेरा सत्यानाश हो। अरे तू नहीं कर। चुप हो जा पारो, चुप हो जा, मत रो। कितने दिन बाद इतनी अच्छी भेल पूरी खाई है, वाह वाह मजा आ गया। देखो देखो कैसे कैसे भूखों की तरह लोग खा रहे हैं। देखा 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 तुमने। हमें कानून सिखाती है, चल तू इसी वक्त इस खोली से बाहर निकल, नहीं तो तेरा पूरा कबाड़खाना बाहर फेंक दूंगा, समझे? कई दिन से भूखा था, तो खा लिया। क्या मैंने कोई गलत किया? क्या ये पाप है? ये भूखे गरीबों पर जुल्म है। देखते क्या हो, छीन लो, तोड़ दो गोदाम का ताला। फारूक नहीं जाना, यहीं बैठना। अरे हम इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाते हैं, इन्हीं इन्हीं हाथों से मजदूर लोग, और हमको सड़क के किनारे रहने का भी हक नहीं, चुप का भी नसीब नहीं, कौन है हमारा? गंगा माँ ये रुपए दे दो उसका पूरा किराया, बाकी अपने खर्चे के लिए रख लेना, मैं चलता हूँ। We'll be right back.
पुलिस फेल्स टू कैच द थीफ, चोर पकड़ने में पुलिस विफल, थीफ इवेड्स पुलिस अगेन, ये क्या तमाशा है? एक मामूली चोर सारे पुलिस फोर्स को नाच नचाए हुए, प्रेस और पब्लिक हमारा मजाक उड़ा रहे हैं और जवाब किसे देना पड़ता है? सर इंस्पेक्टर अमर, आपने मुझे बुलाया सर। अमर, तुम आज तक बहुत से पेचीदा मामले हल कर चुके हो, पुलिस फोर्स को तुम पर नाज है, लेकिन आज हमारे सामने एक ऐसे चोर का केस है जो चोरी करने के बाद निशाने के तौर पर यह लक्ष्मी की तस्वीर छोड़ जाता है, उसकी यह जरूरत और हम कुछ कर नहीं सकते, दिस इज रिडिकुलस। देखो आज से यह केस मैं तुम्हें सौंपता हूं। मेरा नाम वेरी गुड, मेरा काम वेरी गुड, मेरा नाम वेरी गुड, मेरा काम वेरी गुड, जैसे किसी जमाने में था कोई रॉबिन हुड। मेरा नाम वेरी गुड, मेरा काम वेरी गुड। मेरा काम वेरी वेरी गुड, जैसे किसी जमाने में था कोई।
अंडरस्टूड? मान गया ठाकुर साहब, कम से कम एक हफ्ता लगता है टेबल बुक कराने के लिए। हम तो भाई हमेशा ऐसे ही लोग चुनते हैं। इतनी रात को आते हो, मुझे बहुत डर लगता है। डर? कैसा डर? आज का अखबार देखा है? उस चोर के लिए 50,000 का इनाम निकला है। अरे भैया, अगर वो चोर हमारे हाथ आ जाए तो? अरे पिंकी, फिर तो मजा आ जाए, है ना? पिंकी, एक बात तो मैं तुझे बताना ही भूल गया। क्या? जानती है, एक रात को पुलिस उस चोर का पीछा कर रही थी और वो चोर मुझे जाकर डका गया। अजीब बात है, फिर? फिर? अरे मैंने जो घुमा के मुक्का मारा है, मुंह के बल जा गिरा साला। सच्ची? हाँ। लगा उसे? अरे जबड़ा पड़ गया उसका। फिर? फिर क्या? हाय हाय करता हुआ वो भाई जो भागा है, वाह, अंधेरे में निकल लिया, भाग गया साला। लेकिन तू देखना, अगर उसे कोई पकड़ेगा तो मैं ही पकड़ूंगा। और फिर वो 50,000 रुपए जीत कर अपनी गुड़िया का ब्याह इतनी धूमधाम से करूंगा कि सारी दुनिया देखती रह जाएगी। ना बाबा ना, मुझे नहीं करनी ऐसी शादी। मेरे लिए तुम अपनी जान खतरे में मत डालना। अरे पगली, अरे पैसा कौड़ी नहीं होगा तो तेरी शादी कैसे होगी? हो जाएगी। हो जाएगी? कैसे हो जाएगी? कोई है क्या? अरे वो आज बड़ी खूबसूरत लड़की मिली थी रास्ते में और मुझे देखकर मुस्कुराई और प्यार से बोली हेलो। तो चले जाते ना उसी के साथ। अरे मैंने मुंह फेर लिया, देखा तक नहीं उसकी तरफ और सीधा टैक्सी भगा के अपनी प्यारी प्यारी पिंकी की तरफ चलाया, जैसे परवाना शमा की तरफ जाता है। इतनी जल्दी आने की क्या जरूरत थी? मेरे मर जाने के बाद आ जाते। पुलिस की ड्यूटी है यार, छुट्टी मिलते सीधा तुम्हारी तरफ भगा रहा हूँ हुजूर की सेवा के लिए। हेलो। एक आदमी ने स्मगलिंग करके 50 लाख रुपए जमा किए हैं। अच्छा? और ये पैसा तुम्हें उसकी बाथरूम की नकली छत में छुपा हुआ मिलेगा। जानते हो ये आदमी कौन है? कौन है? जनता का नेता गुरबचन सिंह। अंडरस्टूड। ठाकुर साहब, दिल में कोई दरवाजा खटखटाता है तो तिल बैठ जाता है, ऐसा लगता है इनकम टैक्स वाले आ गए। रात को चूहे की आवाज होती है तो बंदूक लेके दौड़ पड़ता हूँ, लगता है वही चोर आ गया। रातों की नींद आराम हो गई है, दिन का चैन आराम हो गया है, भूख प्यास नहीं लगती, बस समझ लीजिए डॉक्टर की गोलियों पर जी रहा हूँ। हमारा अब क्या होगा ठाकुर साहब? आपका जो भी गया है वापस आ जाएगा। कैसे? काले और सफेद के जादू से। अब तक ये चोर सिर्फ काले रुपए की चोरी करता आया है, हम सफेद की करेंगे और वो भी उसके नाम से। बदलू की आप पकड़ो। शाबाश बेटे, बहुत अच्छा हुआ जो तुमने अपने आदमी को गोली मार दी, वरना पुलिस उससे सब कुछ उगलवा लेती। आप लोगों का ब्लैक का पैसा गया है ना? मैंने बैंक लूट कर उसे सफेद पैसा वसूल कर लिया। मजे की बात यह है कि पुलिस भी यही समझ रही है कि ये चोरी भी उसी चोर ने की है। बेचारी पुलिस। अब जितना जिसका गया है सब आपस में बांट लेंगे। ये ठीक है। नहीं, जल्दबाजी में नोटों के नंबर पकड़े जाने का खतरा है, इसलिए फिलहाल इन नोटों को कहीं हिफाजत से रख दिया जाए। बॉय, जिनरा, ये मटन की माए, ये मटन की माए या कद्दू की भाजी है? ले और सुनो, इधर आया सब। क्या है? न नैपकिन है, न कांटा है, न छुरी है, कैसा घटिया होटल है ये? जाओ हमारे लिए चिकन चाउ चाउ ले आओ।
चिकन चाप ले आओ। सेठ जी चिकन चाप क्या होता है? पता नहीं क्या क्या नाम बोल रहा है। सेठ जी कुछ और ले लीजिए, चाव चाव तो नहीं है। क्यों नहीं है? होटल क्यों खोल रखा है? हजाम की दुकान खोलिए, ये नहीं है वो नहीं है। अच्छा एक काम करो, हमारे लिए चिकन आला कीव ले आओ। चिकन यानी कि मुर्गी, अंडे की भुर्जी मांग रहा है शायद। ए चोकरा, अंडे की भुर्जी निकाली? अरे अंडा भुर्जी नहीं, चिकन आला कीव। ओहो कहां फंस गया मैं, ये भी नहीं वो भी नहीं, ये होटल है या भटियार खाना? अच्छा एक काम करो, हमारे लिए स्टू ले आओ, स्टू। क्या है ये? स्टूल है। स्टूल है? मैंने स्टू कहा था, स्टू। अबे ओ ये स्टूल हटा ले जाओ। माफ करना सेठ जी, क्या चाहिए? स्टू, स्टू। क्या और क्या क्या है? सभी कुछ तो खा गया सेठ, कब से खा रहा है? बहुत बड़ा आदमी है इसलिए तो इतना खा रहा है। सेठ जी मुर्गी की पिछली टांग भेजो, असली घी में फ्राई करके बहुत शानदार है। हाँ भेजो भेजो, जल्दी भेजो। और सुनो साथ में एक कैरेमल कस्टर्ड भी, जल्दी। लगता है कोई अंग्रेजी चीज मांग रहा है, कुछ भी बना के देते जाओ। धनाधन धनाधन। चांदी चांदी। बैंकों से लूटा हुआ सारा माल यूनुस सुरती के घर पहुँच गया है। वेरी गुड। ओके बेस्ट ऑफ लक। देखो अपना ख्याल रखना, अंडरस्टूड? निकाल इसका भोपाली पजामा। पैजामा पैजामा, पैजामा। अरे क्या बदतमीजी, ये कोई पैसा वसूल करने का तरीका है? पैजामा निकाल के हाय हाय, अंग्रेजी में चिकन मांगता है, चिकन। मारो मारो भाई, क्या हो रहा है? क्या बात क्या भाई, चलो चलो चलो। स्पेशल स्वीट डिश तेरी तो तुम्हें क्या मालूम, बीच में मत बोलो, ये मेरा सारा सारा होटल खा गया, निकालो इसकी चटाई। आप खाना खा चुके? अरे कहाँ खाया, अभी तक स्वीट डिश बाकी है। तेरी तो स्वीट डिश की। आपका बिल कितना है? 310 रुपए। पूरे 80 पैसे दिए। आप लोग उधर जाकर बैठिए, मुझे इनसे बात करनी है। चलो चलो आप मेरे साथ आइए। अजीब लोग हैं ये, इतने से पैसे के लिए हमारी इज्जत से खेल गए, ये कोई तरीका है? ए हमारे लिए आइसक्रीम लाओ। ओ यू फूटी फूटी, लाओ लाओ दे दो। बड़े बड़े होटलों में जो डिश मिलती है आप तो उसके नाम ले रहे थे, तो फिर आप इस होटल में कैसे? अजी हम तो फंस गए सड़ी होटल में आके। यू डैम फूल। देखा आई इंग्लिश भी नो। नहीं समझ रहा हूँ साहब, आप अंग्रेजी जानते हो या ना हो मगर अंग्रेजी आपको अच्छी तरह जानती होगी। अंग्रेजी? अरे भाई हमको तो सारी दुनिया अच्छी तरह जानती है। अच्छा आप तो कोई रईस आदमी लगते हैं। दुबई में करोड़पति थे, नाम है बरकत अली। बरकत अली, वाह क्या नाम है। हुआ ये कि बचपन में ही हम दुबई चले गए, वहां किस्मत ने ऐसा पलटा खाया कि हम बावर्ची से करोड़पति हो गए। 218 होटलों की चेन थी हमारी दुनिया भर में। अच्छा तो फिर आप यहाँ इस हाल में कैसे? हमें जुए की आदत पड़ गई, यही रेस सट्टा वगैरह वगैरह, तो हो गए कर्जदार। अब वो सारे हमारे पीछे पड़े हुए हैं, लिहाजा हमारी बीवी यानी जमीला वहाँ दुबई में बैठी है और हम यहाँ चूहे की तरह बिल में मुंह छुपाए फिर रहे हैं, और नतीजा करोड़पति बरकत अली दुबई से लापता है यानी कि हम। लेकिन आज हमें बचा लीजिए वरना ये लोग हमारी बोटी बोटी कर देंगे, बड़ी भूख लगी थी इसलिए इतना सारा खा गए। कुछ सुना आपने? अब हाँ, उसकी फिक्र आप मत कीजिए। हाँ। दूसरों के गम बांटने में मुझे बड़ी खुशी मिलती है। वाह, मैं आपका बिल चुका दूंगा लेकिन एक गुजारिश है। अरे तुम्हारे लिए तो जान भी हाजिर है। ये दाढ़ी मुझे दे दीजिए। अरे दाढ़ी मूछ और खोपड़ी के बाल तक दिए, मगर तुम आदमी बड़े दिलचस्प लगते हो। आज से मैं दुबई का सेठ बरकत अली। हाँ? और तुम पंडित भाले राम। मेरी जान, दिन भर की सारी परेशानियां रात को इस कॉटेज में आकर तुम्हारी नरबाहों में भूल जाता हूं। तुम लड़की थोड़ी हो, एक वो दहकता हुआ शोला हो जो हमें पिघला देता है। मैं तो सिर्फ आपकी एक बांदी हूँ। कहो तो ब्याह कर घर ले जाऊं। जी जी, ऐसी अशुभ बात तो मुंह पर भी नहीं आनी चाहिए। क्यों, मेरी बीवी बनना बुरी बात है? नहीं नहीं, मेरा मतलब ये थोड़ी था, मैं तो ये कहना चाह रही थी कि इस उम्र में डैन जैसा जवान बेटा क्या सोचेगा, मैं बाप बेटे के बीच झगड़ा नहीं करवाऊंगी। <हसी। laughs>
सलाम साहब। ठाकुर साहब हैं? वॉचमैन कौन है? ठाकुर साहब ले गया ठाकुर साहब, बैंक का सारा रुपया चोरी करके ले गया ठाकुर साहब। क्या? ये कैसे हो गया? कमबख्त मेरा सोफा फाड़ के उसमें से निकाल ले गया। मैंने तो बहुत सोच समझ कर ये चाल चली थी। हमारी जेब में तुम्हारी हर चाल की काट मौजूद है। शह बचो कमिश्नर। अरे ये तो मैंने देखा ही नहीं, तुमने तो बाजी पलट दी। ठाकुरों की हर चाल बड़ी जालिम होती है कमिश्नर। ठाकुर साहब मैंने भी कसम खाई है कि एक न एक दिन ऐसी मात दूंगा कि तुम जिंदगी भर नहीं भूलोगे। यार बात दरअसल ये है कि आज चेस में मन नहीं लग रहा। क्यों? इस चोर का मसला अभी तक हल नहीं हुआ और बैंकों में डाके भी पड़ने लगे। राणा मेरा ख्याल है कि ये दोनों काम उसी चोर के हैं। नहीं ठाकुर साहब, हम पुलिस वाले इतना तो जरूर जानते हैं कि वो बैंकों की डकैतियां किसी गैंग का काम है और वो दूसरी चोरियां किसी एक आदमी। हवलदार साहब ये क्या बदतमीजी है? अरे अरे क्या कर रहे हैं आप? अरे विजय तुम यहाँ? हेलो सर। कौन है ये? ये वो चोर है जिसने बंबई का दिल चुरा लिया है। इसके नाच गाने ने हमारे रेस्टोरेंट में हंगामा कर दिया है। अच्छा फिर तो एक शाम तुम्हारे रेस्टोरेंट में आना ही पड़ेगा। हवलदार बोलो भाई क्या बात है? कमिश्नर साहब अभी अभी मैं अपने घर की तरफ जा रहा था तो अचानक एक आदमी मेरे पास आया और ये बैग देते हुए उसने मुझसे कहा कि इस बैग में बैंक का लूटा हुआ रुपया है, तुम तुरंत जाओ और ये बैग कमिश्नर साहब को दे दो। कौन आदमी था वो? वो सर वो सर इससे पहले कि मैं कुछ पूछूं या सवाल करूं वो आदमी भाग गया सर। हाँ लूटा हुआ पैसा कोई वापस करे ये बात मेरी समझ में नहीं आई। अब बात तो मेरे भी समझ में नहीं आई, मैं खुद डरा हुआ हूँ। इस फुल ऑफ मनी ये आपका डांसर विजय कहीं आपसे कोई चाल तो नहीं चल रहा? नहीं रीटा, मेरा कोई भी आदमी मेरे साथ चाल चलने की हिम्मत तो नहीं करता, लेकिन कहीं कुछ गड़बड़ है। क्या बात है भाई, कौन हो तुम लोग? हैं नहीं। आप पर हमला क्यों कर रहे थे? पता नहीं। अजीब बात है, आपको कहाँ ड्रॉप कर दूँ? पता नहीं। आप कहाँ जा रहे थे? कहाँ रहते हैं आप? पता नहीं। पता नहीं? क्यों? आपको देखकर सब भूल गया हूँ। क्यों? ऐसी खूबसूरती, ये रूप, ये भोलापन, इतना खूबसूरत दिल आज से पहले देखा ही नहीं। आज देखा सब भूल गया। एक तहकता हुआ शोला है शोला। गाड़ी यहाँ रोक दो। अरे ना 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 ना, गाड़ी मत रोकिएगा, हाथ जोड़ता हूँ। बस इसी तरह चलते रहिए चलते रहिए चलते रहिए। क्यों? क्यों क्या? अभी तक तो आपको ठीक से देख भी नहीं पाया। ये गुलाब के पंखड़ियों जैसे होंठ, हिरनी की आंखें भी आपकी आंखों की तरह खूबसूरत नहीं होंगी। ये सुराहेदार गर्दन लगता है भगवान ने फुर्सत में बनाई है और ये बाल जैसे सावन की काली घटाएं। वही वाह, खूबसूरती हो तो ऐसी हो। आपने इतने झटके से गाड़ी रोककर मुझे एक नहायत ही हसीन ख्वाब से जगा दिया। आपके इस गाड़ी से उतरने का वक्त आ गया है जनाब। इतने वीराने में?
ये वीराना नहीं है मिस्टर, वो उधर देखिए, मैं उस बंगले में रहती हूँ, इसलिए। इसलिए तो समझा, मगर आपने मेरी जान कुंडों से बचाई है, इसलिए आपके साथ आपके बंगले पर चलूंगा और वहां पर आराम से आपका शुक्रिया अदा करूंगा। यहीं बैठे बैठे शुक्रिया अदा नहीं कर सकते? यहाँ शुक्रिया अदा करने के लिए जगह काफी नहीं है। लुक हियर मिस्टर। वही तो मौका ढूंढ रहा हूँ। आई वॉन्ट टू लुक हियर 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 हियर। प्लीज, मैं बहुत थक गई हूँ, तुम जाओ, जाओ ना। ठीक है भाई, ठीक है, चला जाता हूँ भाई। पहले दरवाजा खोलकर कहा कि अंदर आ जाओ, आप कह रही है चले जाओ, ठीक है चले जाते हैं ना, क्या है? सुनो। यस यस यस। कल रात 9 बजे शुक्रिया अदा करने आ जाना। थैंक यू बाय बाय बाय। रात को 9 बजे आए। वाह, अरे वाकई लौंडा लग रहा हूँ यार मैं। अरे वाह वाह वाह, तेरी दाई की तो। ओ ये मर्दू नाई फिर क्यों चला आया? अब तू क्यों आया? आप मैंने पहचाना नहीं। जनाब, यहाँ पर कोई बरकत अली रहते हैं? हाँ, नहीं नहीं रहते, हम रहते हैं भले राम। भले 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 राम? तुम भले राम हो? कहाँ घुसे जा रहे हो भाई? अरे हम बरकत अली हैं बे। अरे काहे के बरकत अली, चलो जाओ यहाँ से जाओ। अरे कम्बर हमी तो है बरकत अली, तुम्हारे चाहने वाले। मेरे चाहने वाले? हाँ। वो कम्बक नाई तो कहता था जवान लड़कियां पीछे पड़ जाएंगी। ये तो दाढ़ी वाला पीछे लग लिया। लीजिए निकाल जी दाढ़ी। अरे हाँ, अरे हाँ, अरे हाँ, अरे कमाल है भाई, हमने तो तुम्हें पहचाना ही नहीं। अरे मियां पहचाना तो हमने भी आपको नहीं, मगर मगर भोले राम बनकर आप तो एकदम कमसिन छोकरे लग रहे हैं। काश इस वक्त हमारी जमीला हमें देख लेती, पर हाय रे बदकिस्मती। काहे की बदकिस्मती, अगर हम आपको भाभी जान से मिलवा देता हूँ। अरे तो हम जिंदगी भर के लिए तुम्हारे गुलाम हो जाए यार। अरे तो समझो कि तुम हमारे गुलाम बन गए। यू ये आ गए चश्मे वाली, चश्मे वाली, वो लाल चश्मे वाली। अरे हाय हाय, लाल कपड़ों में क्या दहकता हुआ अंगारा लग रही है। हाय हाय रे जवानी। क्या हुआ? ये साथ में दो मौत के फरिश्ते कहाँ से ले आई? हाय, मौत के फरिश्ते? अरे वो दो काले कोट वाले, अभी मत देखना, अभी मत देखना। कौन है? कौन है? किधर है? अरे मुझे पकड़ने के लिए बाहर से पुलिस आई है, अब तो मैं अपनी जमीला को घर भी नहीं ले जा सकता यार। अरे यार तू फिक्र मत कर, मेरे पास मेरे दोस्त के बंगले की चाबी है, हम लोग भाभी जान को सीधा बंगले पे लेंगे। तू चल रहा है यार। एक्सक्यूज मी, आप बरकत भाई की बेगम है? जी हाँ। आदाब भाभी जान। आदाब। मैं बरकत भाई का दोस्त हूँ। वो क्या है कि बरकत भाई को हाँ 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 किसी जरूरी काम से बंबई के बाहर जाना पड़ा, इसलिए आपको लेने के लिए मैं चला आया। शुक्र है अल्लाह मियां का। सुनिए, वो बाहर की पुलिस भी मेरे साथ आई है। अच्छा? हाँ, बरकत अली से 10 लाख वसूलेगी, नहीं तो उनको पकड़कर जेल में ठूस देगी। ठूस देंगी? हाँ। कैसे ठूस देंगी? मैं हूँ ना, आप फिक्र ना करें। ये गुलदस्ता उन्होंने भेजा? बरकत अली ने भेजा। भाईजान? जी भाभीजान। ये कौन है? जी ये मेरा बावर्ची है। अच्छा। सामान उठा बे। अरे आइए भाभी जान। तेरे मुझे आइए भाभी जान, आइए। आप उसको कुछ लेके जाता है? हम इसको इसका हस्बैंड के पास लेके जाता है। हम लोग भी बरकत अली के घर को जाएंगे। क्या करे? अरे क्या 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 करे भाई, क्या करे भाई? अरे तुम लोग इसके पास क्यों बैठे? बाहर निकलो वरना खून करवा लूंगा। हम गाड़ी को नहीं छोड़ सकते, हमारे पास गवर्नमेंट का ऑर्डर है। इधर गवर्नमेंट का ऑर्डर है? तुम ड्राइवर के बगल में बैठो। अरे ये कैसे हो सकता है? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। बैठ जाओ बैठ जाओ, मेरी बात मानो, बहुत चालू गोरे हैं, साले हिंदी भी बोलते हैं। साहब बैठ जाओ। इतनी ठंडी सांसें मत ले मर्दुए। ये है आपका बेडरूम, ये है आपका बेड, और ये है 18 इंच का गद्दा। तू कौन था मेरा बेड चुने वाला? हाँ ए मिया। ए मिया नहीं, मिया नहीं, ये तो मिया का भाई है। मिया तो तू चुप रहेगा, उतारू चप्पल। नहीं नहीं
भाईजान जी, ये दोनों यही रहेंगे। अरे गोरो की जात मत करो बेगम, मेरा मतलब है बेगम साहिबा, आप फिक्र न करें, अगर आपकी तरफ किसी ने भी नजर मैली करने की कोशिश की तो मैं गड्ढा खोद के उसे जमीन में गाड़ दूंगा, समझे? ये क्या है? ये पिस्तौल है। खबरदार जो तुमने, खबरदार जो तुमने बदतमीजी कर ली। अब तुम बहुत बोल चुका है, गेट आउट, रास्ता नापो, ये लेडी हमारा प्रोडक्शन में है। यू आर राइट, ही इज राइट, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, नहीं लेफ्ट राइट लेफ्ट, नहीं तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हारे को कोई तकलीफ होने को नहीं देगा। अच्छा। हम नीचे में हाय। अच्छा। अरे हम तुम एक कमरे में बंद हो, लाल लारा दरा दा दा तरता, और भाभी आ जाए, और भाभी आ जाए, ककारेक्टा है मुझसे। अरे बंदरिया साली, मुझसे मजाक करती है आजकल से। भाई सरप्राइज तो तुमने दे दी, मुझको तो पता भी नहीं था कि बंबई के किसी होटल में इतना अच्छा खाना भी बनता है। हाँ मीन, एक एक चीज मैंने पकाई है इन हाथों से। हाथ तो बड़े मजेदार है। मैं चाहता तो यह हाथ नहीं छोड़ता। मैंने भी तो हाथ छोड़ाया नहीं, पर खाना खाने के लिए हाथ की जरूरत होती है। तुम बातें बड़ी मजेदार करती हो। एक बात बताओ, गाड़ी भी खुद चलाती हो, खाना भी खुद पकाती हो, घर में कोई नौकर भी नजर नहीं आता, ये तन्हाई इतनी पसंद क्यों है? ये तन्हाई मजबूरी भी तो हो सकती है। इसका इलाज है मेरे पास। क्या? हर बात इन सो मेनी वर्ड्स कही नहीं जाती, समझ जाओ। क्या समझ जाओ? वही, मैं भी जिस खुशी से मर जाऊं। नॉटी, यू आर टू फास्ट। ये जेट है जे पार्टनर, और मेरे दिल का जेट तुम्हारे दिल के हवाई अड्डे पर लैंड होने की इजाजत मांग रहा है। पहले जेट का पता ठिकाना तो मालूम हो। निहायत ही तन्हा आदमी हूँ, एक बहन के सिवा कोई भी नहीं है मेरा, इसलिए तो कह रहा हूँ कि क्यों ना हम दोनों एक दूसरे की तन्हाई बांट लें। मेरी शक्ल तुम्हारी घड़ी से तो अच्छी है। नहीं नहीं, ये बात नहीं। क्या बात? क्या बात है? तुम खुद ही देख लो ना, कितनी देर हो चुकी है। मैं तुम्हें देख रहा हूँ, मेरे पास वक्त देखने की फुर्सत नहीं है। आई मीन इट। ओके बेबी, ओके मैन। फर्ज करो वो गुंडे दोबारा लौटाए तो। मेरे घर का दरवाजा बहुत मजबूत है। नहीं फिर भी। आउट। बाय। हेलो लिसन। ओह नो, आप फिर आ गए। लगता है मैं कुछ भूल गया हूँ यहाँ। अपना दिल, इजाजत हो तो ढूंढ लो, फिर किसी वक्त आकर ढूंढ। नहीं फिर भी सोच लो, सोच लो। हेलो हेलो। बहुत लग गया, दरवाजा कड़क है। I love you. नहीं ना लड़ गए ले मन मामा कसक कोई ले। बात सिर्फ आप ही को बताने की है ठाकुर साहब, आपके सिवा मुझे और कोई नहीं बचा सकता। दरअसल मैं बड़े चक्कर में फंस गया हूँ। क्या चक्कर है? अरे साहब, मेरी एक पुरानी बिल्डिंग 200 साल की बुढ़िया की तरह खड़ी हुई कांप रही है। ना तो उसके किराएदार किराया बढ़ाते हैं, ना वो कम वक्त गिरती है। बिल्डिंग गिरवा दें तो 1.5-2 करोड़ का फायदा हो जाए मुझे। 1.5-2 करोड़? हाँ। पहले क्यों नहीं कहा? टेन बेटे, इनकी बिल्डिंग फौरन गिरवा दो। मुझे देखने दो, ये लो बेटा। मर गया, जाकर वैन में डाल। इसे मत ले जाओ, मेरे मंगू को मत ले जाओ।
गंगा माँ, गंगा माँ मत रो माँ, मत रो माँ गंगा माँ, मत रो। तुम्हारा एक बेटा मर गया मगर दूसरा बेटा जिंदा है। मैं हूं ना तुम्हारा बेटा? हाँ मैं हूं ना। ये लोग कहते हैं मेरा बेटा मर गया। नहीं गंगा माँ, गंगा माँ याद है तुम्हें, आज से बहुत साल पहले तुमने एक छोटे भूखे बच्चे को रोटी खिलाई थी। मैं वही हूँ, हाँ मैं वही हूँ। मेरा बेटा, मेरा इकलौता बेटा। मुबारक हो सेठ धर्मनाथ जी। थैंक यू। आइए आइए आइए। हेलो, क्या हाल है भाई साहब? वो आपका भेजिया अभी तक नहीं आया, उसके बिना पार्टी में जान नहीं आएगी। दारू पीजिए दारू, जब वक्त आएगा तो मेरा बेटा खुद ब खुद आ जाएगा। तुम लोग कहाँ सर उठाए, अंदर चले आ रहे हो? चलो निकलो यहाँ से। आपकी जो बिल्डिंग गिरी थी, हम उसी बिल्डिंग के रहने वाले साहब, भूखे प्यासे। इन कमबख्त गरीबों ने तो जीना मुश्किल कर दिया। माफ कीजिएगा, मैं भी आया। अभी तक घर का मुआवजा नहीं पाया माई बाप। कैसा मुआवजा? देखते नहीं अंदर पार्टी चल रही है। सेठ जी हम पर रहम करो। चैन से पीने भी नहीं देते। कफन अपना कभी सीने न देंगे, ये प्यासे हैं तुम्हें पीने न देंगे। किसी को चैन से जीने न देंगे, तुम इनकी जान गुर्बत से छुड़ा दो। जमाने से गरीब को हटा दो, जमाने से गरीब को हटा दो, जमाने से गरीब को हटा दो, हटा दो। अमीरों अमीरों सब गरीबों को मिटा दो, गरीबों को मिटा दो, जमाने से गरीब को हटा दो। कहाँ तक इनकी आहों से डरोगे, ये खाली पेट तुम कब तक भरोगे। कहाँ तक इनकी आहों से डरोगे, ये खाली पेट तुम कब तक भरोगे। अगर ये करोगे तो क्या करोगे, हमेशा के लिए इनको सुला दो, हमेशा के लिए इनको सुला दो। जमाने से गरीब को हटा दो। लगा दो आग
इनके घर जला दो, लगा दो आग इनके घर जला दो। जमाने से गरीबी को हटा दो, हटा दो। अमीरों अमीरों सब गरीबों को मिटा, आपका विजय तो जादूगर है। छोटा जादूगर तो मैं भी नहीं हूं भाई, तुम्हारी बिल्डिंग गिरवा दी, 5-10 मरे भी, लेकिन तुम्हें ऐसे निकाल दिया जैसे मक्खन से बाल, वरना आज तुम पार्टी में नहीं बल्कि जेल की सलाखों के पीछे होते। ठाकुर साहब, वो मैं आपका शुक्रिया तो अदा कर नहीं सकता। कर क्यों नहीं सकते? 10 लाख बिल्डिंग गिराने के और 10 लाख तुम्हें बचाने के, 10 और 10 हो गए 20 लाख, अभी दे दो तो अच्छा है। ठीक है, अभी लीजिए। मैं मर गया, मैं बर्बाद हो गया। क्या हुआ? अरे ठाकुर साहब, चोर, वही चोर मेरी तिजोरी साफ कर गया और अभी अभी कम्बक खिड़की से कूद कर भाग गया। एक मामूली नाटक कंपनी से उठाकर मैंने तुम्हें रहने के लिए आलीशान बंगला दिया, गाड़ी दी, तुम्हारा बूढ़ा और बीमार बाप जो मरने वाला था उसे इलाज के लिए अमेरिका भेजा। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूल सकती सर। नो, मैं कभी किसी पर एहसान नहीं करता, बिजनेस करता हूं। जानती हो यह सब मैंने क्यों किया है? विजय से दोस्ती करके ये पता लगाने के लिए कि उसे बैंकों के पैसे कहां से और कैसे मिले। इतने दिन हो गए, अब तक क्या पता चलाया तुमने? अभी तक कुछ भी नहीं सर, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। तुम्हारी कोशिश हम जानते हैं, तुम विजय के बारे में पता नहीं लगा रही, उससे इश्क फरमाने में लगी हो। हम जैसे शरीफ लोगों को रोमियो और जूलियट के प्यार के बीच में दीवार नहीं बनना चाहिए। इन्हें इश्क फरमाने दो, शादी रचाने दो। हाँ, मैं तो भूल ही गया कि शादी में कन्यादान कौन करेगा। अब इसके मरियल बाप को फोन करके अमेरिका से बुलवाना ही पड़ेगा। नहीं, मैं आपके बाप पड़ती हूँ, मेरे पापा का इलाज पत्रों को
आप जो कहेंगे मैं वही करूंगी। देन बेटे क्या ख्याल है, जानती हो ये क्या है? ये तेजाब है, इसे मुंह पर फेंक दूं तो ये नरम गोरी चमड़ी जल जाएगी और ये खूबसूरत आंखें अंधी हो जाएंगी। सच सच बोल, विजय असल में कौन है? मैं सिर्फ इतना ही जानती हूँ कि वो एक डांसर है और अपनी बहन के साथ रहता। वो किस चोर के साथ मिला हुआ है? मुझे नहीं मालूम। जल्दी बोल वरना फेंकता हूँ तेरे चेहरे पे तेजाब, चला दूंगा तेरा चेहरा। डैन, हमारा दिल बड़ा कोमल है, हमसे ये सब देखा नहीं जाता। देखो रेखा, अपनी इश्कबाजी में जरा सी तेजी लाओ और फौरन पता चलाओ, वरना ये लड़का बड़ा जिद्दी है, जा सकती हो। जमीला दुहाई हो, जमीला दुहाई, जमीला दुहाई, जमीला। एक ही बाबू है यही चलेगा, जमीला दुहाई। अरे लिया क्या हुआ, किस बात की दुहाई? सुहाग रात होने वाली थी, मुझे धीरे धीरे सब याद आ रहा है। मेरी प्यारी प्यारी जमीला कमरे में मेरा इंतजार करते करते सो गई और मैं मेरे सारे बदन में जवानी की बिजली दौड़ रही है, आग लगी हुई है मेरे बदन में, होली चल रही है, होली। अरे तू तो पसीने से तरबतर हो रहा है, एक काम कर, ये पंखा लगा के उसके सामने बैठ जा, ले। अरे लग तो मैंने लगाया ही नहीं, फिर पंखा कैसे शुरू हो गया? बोले बरकू, बोले बरकू, बोले हाँ लग को छोड़ दे। बोले तेरा बदन तो बिजली से बिल्कुल चार्ज है रे, तुझे तो भाभी से जल्दी मिलाना पड़ेगा रे। बोले तुम कौन? असाब जी मन में तो ठेंगा मल हूँ, ठेंगा मल, लेन देन को व्यापारी, बरकतली से 50 लाख की वसूली करनी है जी। ये कौन है? अजी ये तो हमारी हुंडी है जी हुजूर, हुंडी, 50 लाख की हुंडी, इसकी बात छोड़ो। वैसे मुक्त सर बोलो तो बरकत अली को पित्तो है, करंट अली। सलाम अलैकुम, वैसे हम तो बरकत अली के दुल्हन से मिलने जा रहे थे। बट तुम रोता क्यों मैन? नछेड़ है नक्ते बाजे बहारी, राह लग अपनी, तुझे अटकेलिया सूझी है और हम बेजाल बैठे हैं, हमें जाने दो, हमारे पास वक्त नहीं है। Hey, what happened? I got a shock. लग गयो ना? Hey, तुम्हारे हाथ में क्या है? इनके हाथ में करंट है हुजूर। हाथ बताओ। हाथ? ये। अरे भाया ये तो बिजली को करंट मारो है, तो ये तो इसको नाम करंट अली है। Range. He's fully chairs. Go man, go. Go. दरवाजा बंद है, मैंने लागे बहू से मिलनी करे, मिलने दो मिलने दो। Open the door! Open the door! Open the door! Open the door, door man! Open the door! Open! Open! कोई आवाज नहीं, मिलनी खत्म हो गई। पहचाना बेगम? बड़े वो हो तुम, ये भी कोई तरीका है? Open the door, man! Open the door, man! अरे मेरा बेटा
बरकत चला गया। अरे अपने बूढ़े बाप को किसके सहारे छोड़ गया तू? मैंने भी बताओ क्यों हो गया भाया? सब खत्म हो गया। कहा ना सब हो गया, सब हो गया। क्या हो गया मैन? अरे खान साहब मन्ने भी तो बताओ क्या हो गया? अरे सेठ जी यही तो बताने आया था कि मेरा बेटा अल्लाह को प्यारा हो गया। गयो गयो What? बरकत अली मर गया? अरे मैं अपने इन्हीं बूढ़े हाथों से उसे दफन करके आ रहा हूँ। अरे बरकत अली गयो तुम्हारो 50 लाख भी गयो रे। अरे ओ रोकड़िए के बच्चे तुझे 50 लाख की पड़ी है, मुझे बेच दे, इस बूढ़े को बेच दे। अरे राम 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 क्या बोलो खान भाई। अरे बरकत अली गयो तुम्हारो कर्जो भी गयो। ठीक है ना जी भाई, मैंने तुम्हारो कर्जो माफ कर दियो। ये लो भाभी जी होश में आवे तो मारो प्यार क्या? मत लगा मर्दूत, अब इस बुढ़ापे में मैं मजदूरी करूंगा, ईंटें ढोऊंगा और अपने बेटे का कर्जा चुकाऊंगा मैं। नो मैन नो, बरकत गया सब गया, अब हम भी जाता है। तुम जाता है, तुम जाता है, जाओ जाओ। अरे लेकिन मेरा मेरा क्या होगा, इस बूढ़े का क्या होगा? ये हमारे सरफ एक्सेप्ट करो। लेट्स गो। जा भाई जा, जा भाया, भगवान खाना बड़ा करे। अरे हमारा फंड गए, अभी मैं भी जाऊं। मिलाओ हाथ बेगम। और रॉबिनहुड अंडरस्टूड। वाह, इस झोपड़े की गर्मी ने बरकत अली को दुबई की गर्मी याद दिला दी। झूठ बोल झूठ। अरे हाँ बरकत अली तो आप हैं, मैं तो भले राम हूँ। अरे हाँ ये सब कुछ बांट देना है कि कुछ रखना भी है? बिल्कुल लुटा देना है। भले राम तुम भले बने रहो, इसी में तुम्हारी भलाई है। सत्य कहा, सत्य कहा। वेरी गुड। ये नमस्ते, आइए आप। ये नमस्ते, आइए माँ जी। लीजिए नमस्ते, लीजिए आओ माँ जी। हाँ जाओ, चलिए आप भी चलिए, आप अच्छे आओ। इस बिचारी का मर्द उसी बिल्डिंग के नीचे दबकर मर गया, अब इसका कोई नहीं है दुनिया में। काम क्या करते थे? टेलर मास्टर था। आप सिलाई का काम जानती हैं? हाँ सर। भले राम जी, इन्हें एक सिलाई मशीन दे दो। हाँ बेहतर होगा। जाइए बहन जी, भगवान आपको बहुत दे सेठ, बहुत दे। लीजिए माँ जी। तो वो इसी के अब्बा थे जिन्हें देखने के लिए हमें अस्पताल जाना पड़ा? हाँ उसी का लड़का है। तुम पढ़ते हो? हाँ सेठ, लेकिन अब पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी। अरे नहीं नहीं ऐसा मत करना, रात भर रिक्शा चला कर पैसा कमाओ और दिन भर पढ़ाई करके बड़े आदमी बनो। अरे नहीं भाई पाप मत चढ़ाओ। भले राम इनको एक रिक्शा दे दो। हाँ ये लो वो रही रिक्शा, जाओ अच्छे बच्चे जाओ। माफ कीजिए, ये सब काहे की भीड़ है, क्या हो गया? कोई दुबई के बरकत अली साहब हैं, ये बिल्डिंग के बेसहारा लोगों की मदद कर रहे हैं। बरकत अली? हेलो। इस मुस्कुराहट का मतलब? वेलकम श्री विजय कुमार उर्फ मिस्टर रॉबिनहुड। एंड उर्फ जनाब बरकत अली खान। तब तो तुम ये भी जानती होगी कि मेरी गिरफ्तारी पर 50,000 रुपए का इनाम है।
तुम्हारे लिए मैं पुलिस का नंबर डाल कर देता हूं। विजय, अब तक तो सिर्फ तुम्हें जानती थी, अब तुम्हारी पूजा करने लगे हूं। सॉरी मम्मी, जरा सी देर हो गई। ये रही तुम्हारी दवाइयां और ये इंजेक्शंस। डॉक्टर की फीस मैंने दे दी है। मैरी, अभी तक स्कूल क्यों नहीं गई? ये लो तुम्हारी फीस। और लूसी, ये लो अंडा, ब्रेड, बटर, सब सामान ले आओ। चल तुम इसके साथ जाके नाश्ता कर लो। ओके, चलो चलो जाओ सब लोग। और मम्मी, बाकी का ये महीने भर का खर्च तुम रख लो। अरे मम्मी, रोने लग गई। नोटियाज नोटियाज। बेटी, हमारे लिए तुझे रात दिन न जाने कहां कहां काम करना पड़ता है। काम ही तो करती हूँ मम्मी, कोई आसान थोड़े करती हूँ। चलो अब अच्छी मम्मी की तरह दवाई पी लो और जल्दी से ठीक हो जाओ। मैं तो सिर्फ तेरी मैरिज देखने के लिए जिंदा हूँ बेटी। मम्मी, कितनी बार कहा है तुमसे मेरी मैरिज की फिक्र बिल्कुल मत किया करो। हाय रीता। हाय रेखा। एकदम टाइम पर आ गई हो। तू बुलाए और मैं ना आऊं, ऐसा कभी हो सकता है? माँ, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? ठीक है बेटी। अरे रीता, इसे चाय कॉफी पिला। चाय वाय बाद में, बहुत बात करनी है, चले जरा। आ बैठ। अच्छा रेखा, एक बात बता, डांसर विजय कैसा लगा? गुंडा, एक नंबर का बदमाश है। मुझसे क्या छुपा रही हो माय डियर? मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, ये स्वीट। लगता है मुझसे जरूर कुछ छुपा रही हो। नहीं रीता, मैं तो उससे छुपाऊंगी। तूने मुझे इतनी अच्छी नौकरी दिलवाई है, इतने बुरे वक्त में मेरी मदद की है। तुझे ये नौकरी ना दिलवाती तो बाबा का इलाज कैसे होता? हाँ रीटा, तेरी बदौलत मेरे गरीब बाप का इलाज आज ठाकुर साहब अमरीका में करवा रहे हैं। इस एहसान का बदला मैं कैसे चुकाऊं? दरवाजा तो ऐसे खटखटा रहा है जैसे ये घर उसके बाप का हो। लेट जाने दे, लेट जाने दे। अब खोल, अब खोल। मैं देखा। बरकत अली साहब हैं? बरकत अली साहब हम ही हैं। नहीं, बरकत अली साहब नहीं है। नहीं, बरकत अली साहब हैं, वो दाढ़ी वाले साहब बरकत अली साहब हैं, हम उनके नौकर हैं, भले रहा। हम मुझे बरकत अली साहब से मिलना। बरकत अली साहब आराम कर रहे हैं, वो नहीं मिल सकते, जाओ। अरे अरे बलराम, मेहमान को अंदर आने दो। कोई किस्मत का मारा होगा बेचारा, पैसा वैसा मांगने आया होगा। आने दो, आने दो, जाइए। प्राणी बड़ा गंभीर और दुखित लग रहा है, क्या कर रहा है? हाँ? अबे ओए, ओए, अबे मैं खटिया का नीचे सा नहीं, ऊपर। कहाँ बैंक का पैसा? बैंक का पैसा है? तो आप हैं बरकत अली साहब? या कहिए, कोई तकलीफ है आपको? वैसे बिल्कुल सही पहचाना बरकुरदार, तशरीफ रखिए, उक्का नोट फरमाएंगे। अब भले रहा, इनके कुछ ठंडा वंडा अंडा डंडा मारूंगा खींच के। अबे अबे क्या हरकत है, अबे क्या कर रहा है? अबे ताला पकड़ के मारूंगा, चुम्मा काटूंगा, भाग। पुलिस यही मौजूद है, मैं CID इंस्पेक्टर अमर हूँ। ना ये कार्ड भी असली है। अच्छा, और ये सर्च वारंट। सलाम साहब। अच्छा, तो आप पुलिस है और हमारी तलाशी लेने आए हैं? शक्ल देख के तो ऐसा लगा था कि आप कोई चोर है, मगर आप तो पुलिस निकले। बलराम हुजूर, हुक्का 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 हुक्का। ये लीजिए हुजूर, आपके पास इतनी दौलत कहाँ से आई? आमा साहब, ये सब आप तो दौलत से ही पूछिए जो आई है। ये लूटे हुए बैंक और तिजोरियों से आई है, और मुझे पूरा शक है कि आप ही वो चोर हैं। चोर? हम चोर? यानी कि हम चोर भी हो गए? बलराम, सरकार हमारे तमाम वकीलों को फोन किया जाए। अगर हमने इस सर फिरे पुलिस ऑफिसर को नौकरी से ना निकलवा दिया तो हमारा नाम भी बरकत अली नहीं। जनाब, मुझे आप पर शक है। भाग। अरे हम शहंशाह मुतवा है, मुतवा समझे, होटल और रेस्टोरेंट के बेताज बादशाह, करोड़ों कमाए है करोड़ों। ऐसे ही नहीं बांटते, और बांटते तो तुझे तकलीफ। तकलीफ ये है कि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ। और मैम, ये अगर आप पुलिस ऑफिसर है तो हम भी दुबई में करोड़पति हैं।
जरा फोन कीजिए दुबई के कमिश्नर साहब को, हमने भी इसकी ईट से ईट न बजा दी तो हमारा नाम भी बरकत अली नहीं। रहम कीजिए सरकार, रहम कीजिए, तो बच्चा है। जा बच्चा है तो खड़ा क्यों है? बैठ जाओ। लेटा क्यों नहीं देते? अरे हम इसे जाने के लिए कह रहे हैं, आप बैठाने के लिए कह रहे हैं। अरे मगर है? अरे हथकड़ी दिखाता, इसे हमारी दाढ़ी तक का लिहाज नहीं। अरे भाई सॉरी बोलो, सॉरी बोलो, साहब को हार्ट अटैक होता है, ब्लड प्रेशर होता है, तुम जाओ। किधर है हमारी गिरफ्तारी का वारंट? जरा दिखाइए तो, दिखाइए तो जरा हमको। गिरफ्तारी का वारंट नहीं है, लेकिन नहीं है, देखा नहीं है, नहीं है इसके नहीं। माफ कर दीजिए सरकार, माफ कर दीजिए। सॉरी बोलो भाई, सॉरी बोलो। मुझे मालूम नहीं था कि आप दिल के मरीज हैं। मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता था कि इतने दौलतमंद होकर आप इस झोपड़े में क्यों रहते हैं और अपना पैसा बैंक में क्यों नहीं रखते हैं? अम्मा मियां, बैंकों में डकैती हो रही है और ये बटेर हमको राय दे रहा है कि अपना करोड़ों रुपया ले जाकर बैंकों में रख दे और जाकर उन महलों में रहे जहाँ पर वो चोर आकर हमारी हजाम पट्टी करके हमारे हाथों में वो सिर्फ 125 रुपए की लक्ष्मी छोड़ जाए। सॉरी बोलो भाई, सॉरी बोलो। देखो भैया, तुम्हारे पास दिमाग है मगर तुम सोच नहीं पा रहे, तुम्हारे पास आंखें हैं मगर तुम देख नहीं पा रहे कि हम है कौन। सॉरी बोल दो, सॉरी बोल दो। आई एम सॉरी। इट्स ऑल राइट, तुम बच्चों इसलिए तुमको छोड़ दिया, जाओ जाओ जाओ। सुनो, आइंदा यहां कभी मत आना, अंडरस्टूड? अंडरस्टूड। अमर तुम इतनी रात को हमारी याद आई क्या? विजय घर में है। हाय क्या किस्मत है हमारी। माय लॉर्ड प्लीज कम इन, तशरीफ लाइए। विजय कहाँ है? हमारी शादी के बारे में बातचीत करनी है क्या? इन्हीं से बात कर लो, फाइनल अथॉरिटी तो यही है। कौन है बे? अरे अरे इंस्पेक्टर साहब, आप कैसे? आई एम सॉरी, आप आराम कीजिए, मैं चलता हूँ। मैं चलता हूँ? अरे अरे एक मिनट रुके तो सही। हेलो, अरे इंस्पेक्टर साहब, यहाँ बैठिए। जब तक आप ये नहीं बताते कि आप यहाँ किस काम से आए थे, हम आपको जाने थोड़ी देंगे। क्यों देंगे? हाँ हाँ कह डालिए ना भाई। सच बात तो ये है कि हमें धोखा हो गया। धोखा? कैसा धोखा? एक बरकत अली साहब हैं, अपने आपको दुबई का रईस बताते हैं पर रहते हैं एक छोटी सी कोठरी में, उनका दुनिया में कोई नहीं है। कोई नहीं है यार, उनसे कहो ना हमें गोद ले लें, हमारा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। अरे उन्होंने तो सारे गरीबों को गोद ले रखा है और अपनी बेशुमार दौलत तूने बांटते फिरते हैं। यार ये बरकत अली कहीं वही चोर तो नहीं? मैं अपना शक मिटाने उनके घर गया था, चलते वक्त उनके मुंह से एक ऐसा लफ्ज निकला जो अक्सर तुम्हारे मुंह से निकलता है। वो क्या? अंडरस्टूड, समझे? मुझे तो शक हुआ कहीं तुम ही तो बरकत अली नहीं हो। यार तू मुझे हथकड़ी डाल के ले चल और साबित कर दे कि मैं ही बरकत अली हूं। कम से कम उसकी जो बेशुमार दौलत है वो तो मुझे मिल जाएगी। यार मैं सचमुच कह रहा हूँ, कसम से मैं ही बरकत अली हूँ। बैड लक फॉर यू। मैं दुबई के कमिश्नर को फोन करूंगा, वहां से पता चलेगा कि ये बरकत अली है कौन। हाँ और जैसे ही पता चलेगा सबसे पहले मुझको आकर बताना, ठीक है? अंडरस्टूड? अंडरस्टूड, वेरी गुड, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय डार्लिंग। तू खाना खा बेटी, मैं देखती हूँ। हेलो हेलो, कौन? हेलो, क्या मैं सीआईडी इंस्पेक्टर अमर से बात कर सकता हूँ? आप कौन बोल रही हैं? मैं अमर की माँ बोल रही हूँ। बेटा अमर। हाँ माँ। तुम्हारा फोन है। हेलो। अरे हेलो अमर। अरे भाई दुबई से कोई खबर वबर मिली? हाँ वही सही बरकत अली है, दुबई में रहता था, वहां की पुलिस ने कंफर्म किया। ओके क्या बात है माँ? कुछ नहीं, वो फोन की आवाज। अरे उसकी आवाज पे तो सभी पागल है माँ, बहुत अच्छा गाता है, एक बरकत अली साहब हैं, उसी के बारे में पूछ रहा था। ये बरकत अली कौन है बेटा?
एक गरीब आदमी यहाँ से दुबई गया, करोड़पति बन गया, अब यहाँ अगर अपनी सारी दौलत बांटता फिरता, पागल है ना माँ? पागल नहीं बेटा, वो तो बड़ा नेक आदमी लगता है, किसी दिन मुझे भी ले चल। अरे दौलत है क्या, आशौरत है क्या, दौलत है क्या, आशौरत है क्या, पर्दा है क्या, जलवा है क्या, वो आदमी है भला हो जिसकी है नीयत भली, ये कहता है बरकत अली, ये कहता है बरकत अली, तोड़ो गमों की जंजीर को, रखो बदल के तकदीर को, तोड़ो गमों की जंजीर को, रखो बदल के तकदीर को, किन उलझनों में खोए हो तुम, ना जाने कब से सोए हो तुम, ओ सोने वालो उठो, ओ जागो सुबह हो चली, ये कहता है बरकत अली, ये कहता है बरकत अली, वो आदमी है भला ओ जिसकी है नीयत भली, अपनी मदद करना सीख लो, जीना है तो मरना सीख लो, अपनी मदद करना सीख लो, जीना है तो मरना सीख लो, दुनिया के गम से जो डर गया, बेमौत समझो वो मर गया, हिम्मत से तुम काम लो, ओ मिलके कहो या अली, ये कहता है बरकत अली, साहब सलाम। मैंने अपने बेटे अमर से आपकी तारीफ सुनी थी, बड़ी इच्छा थी आपके दर्शन करने की, आज मेरे भाग्य खुल गए। आप इनकी मां हैं? हाँ बेटा। नसीब वाले होते हैं वो लोग जिनके सर पर मां का साया होता है, मैं तो कंगाल हूं, मेरा तो न बाप जिंदा है न माँ। आपकी माँ भले ही ना जिंदा हो, लेकिन यकीन जानिए उनकी आत्मा भी इस वक्त आप ही को देख रही होगी और बार बार कह रही होगी कि बेटे मेरी गोद को तूने धन्य कर दिया। आप उसे याद करके रोते हैं, लेकिन उनकी आत्मा
आपको देखकर फूली न समाती होगी। मैं अक्सर अपने बेटे के मुंह से दो आदमियों का जिक्र सुनती रहती हूँ, एक आपका और एक उस चोर का जो सभी को लुटता फिरता है। कितना अंतर है दोनों में। वो शैतान फांसी देने के लायक है और आप देवता हैं, पूछने की योग्य हैं। अब चलो माँ, देर हो रही है। अच्छा। अरे नहीं, ये क्या कर रही हैं आप मेरे पांव छूके मुझे गुनहगार मत बनाइए। धन्य है वो माँ जिसने आप जैसे महापुरुष को जन्म दिया। नहीं माँ जी, खड़े खड़े क्या देख रहे हो, चलिएगा नहीं? बलराम, उस देवी को देख रहे हो? देवी जो इंस्पेक्टर अमर के साथ जा रही है। हाँ, उसने ममता का इतर लगा रखा है, बिल्कुल मेरी माँ जैसी खुशबू है उसमें। तुम्हारी माँ? वो तो यहाँ नहीं है। ठीक कह रहे तुम। मैंने अपनी सारी दौलत और हीरे जवाहरात ऐसी जगह छुपा दी है जहां इंसान तो क्या चींटी भी नहीं पहुंच सकती। तो फिर हमारा माल भी वहीं रखवा दीजिए ठाकुर साहब, वरना जो कुछ उस चोर से हमारा बचा है वो इनकम टैक्स ले जाएगा। मेरा तो ये हाल है ठाकुर साहब कि आईना देखता हूं तो अपनी शक्ल की जगह एक भिखारी दिखाई देता है। मैंने ऐसी तिजोरी बनवाई है जिसे मेरे अलावा कोई नहीं खोल सकता, भगवान भी नहीं। अजी 20% के इनाम के लालच में तिजोरी बनाने वाले भी सरकार को पूरा पूरा भेद दे देते हैं। जिन्होंने मेरी ये तिजोरी बनाई थी उन सब मेहरबान दोस्तों को मैंने जान से खत्म कर दिया। ये तो बड़ा अच्छा किया आपने। अब तो कोई डर ही नहीं रहा। भाई वाह, क्या बात है ठाकुर साहब। अच्छा एक बात कहूँ, क्यों नहीं हम लोग भी अपना अपना माल ठाकुर साहब की तिजोरी में रखवा दें? ठाकुर साहब, हम सब लोग लूट चुके हैं, सिर्फ आपका घर बाकी है। एक तरफ चोर है, दूसरी तरफ इनकम टैक्स है, पुलिस है, हम पर तो आपको रहम करना पड़ेगा ठाकुर साहब। ठीक है, आपकी आंखों के सामने आप सबका माल तिजोरी में रख दिया जाएगा।
सब लोग बेहोश हैं, ये तिजोरी है। मेरा हाथ लगती है, तिजोरी घूमने कैसे लगी? पता नहीं। ये खुलती कैसे? स्विच। ला मुझे दो। लगता है इसका स्विच बोर्ड वहां है। नहीं खुली। ला वो स्विच मुझे दो। थैंक गॉड। रीटा, तुम्हारी मम्मी कैसी है? रोज आपके आने की राह देखती है। मेरी राह? हाँ, मैंने उनसे यूं ही कह रखा है कि एक ना एक दिन आपको उनसे जरूर मिलाऊंगी। जरूर आऊंगा। रीटा, जब भी मैंने तुम्हारी मदद करनी चाहिए, तुमने इनकार किया, बल्कि मेरी मदद की। ऐसा तुमने क्यों किया? ताकि जिस तरह मेरी जिंदगी बर्बाद हुई है, किसी दूसरी लड़की की ना हो, और आप झोपड़ों में रहने वाली हर लड़की को उस गरीबी से बचा सके जिसने मुझे एक दुल्हन की जगह इस कुत्ते की राहेल बना दिया। कीचड़ में रहकर भी कमल का फूल हो तुम। अच्छा, मैं चलता हूं। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। नमक हराम, अब मुझे पता चला कि हमारे भेद तू बाहर पहुंचाती थी। बोल, कौन है वो? नहीं, मैं कुछ नहीं बताऊंगी। बता, किसे दिए तूने हीरे जवाहरात? वरना एक ही रात में तेरी जवानी को बुढ़ापे में बदल दूंगा। मेरी जवानी ने तो उसी रात दम तोड़ दिया था जब मुझे तेरे बुढ़ापे के साथ जबरन सोना पड़ा था। मगर कमीने, तुझे नहीं मालूम उस रात ने कितनी लड़कियों की जवानी बचा दी। मैं उसका नाम पूछ रहा हूँ। नहीं बताऊंगी, कभी नहीं बताऊंगी। तेरे तो फरिश्ते भी बताएंगे मेरी जान। मेरी खाल खींच लो, मगर मैं उसका नाम नहीं बताऊंगी। नहीं बताऊंगी, नहीं बताऊंगी। अब भी बता दे, कौन है वो, क्या नाम है उसका? उसका नाम लेने से एक रीटा को तो जिंदगी मिल जाएगी, लेकिन हजार रीटाएं बर्बाद हो जाएंगी। मैं मर जाऊंगी, लेकिन उसका नाम नहीं बताऊंगी, नहीं बताऊंगी, नहीं बताऊंगी। ये दोनों जो है ना, बड़े खतरनाक हैं। 14 साल की जेल काटकर आ रहे हैं। 10 साल की बच्ची के रेप और खून का इल्जाम था, और ये जो हैं, अपने पेट में उस आदमी का नाम छुपाए हुए हैं
जिसके नाम की कीमत इस वक्त 5 करोड़ से भी ज्यादा है। अब उस आदमी का नाम उगलवाना तुम दोनों का काम है, समझे? चलो डन बेटे, चलते हैं। इन दोनों को अपना काम करने दो। पुलिस आने से पहले यहां से भाग चलो, चलो। तुम लोग यहां रुको, मैं अभी खबर देकर आता हूं। ठीक है, लेकिन किसी मां से कहना यह बड़ा मुश्किल है कि उसकी जवान बेटी मर गई। क्या करें, इट्स माय ड्यूटी। समझ गई। कम इन माय सन, कम इन माय डियर, बैठ। तुम विजय है ना? जानती थी तुम एक दिन जरूर आएगा। जी मैं। डोंट वरी माय सन, माँ का दिल एक कुएं जैसा होता है, उसमें से कोई बात बाहर नहीं निकलता। पर तुम अकेला क्यों आया? रीटा किधर है? रीटा ने तुम्हारे बारे में हमको सब कुछ बताया। क्या बताया रीटा ने? यही कि तुम एक होटल में डांसर है और चोरी का सब माल गरीबों में बांट देता है। गरीब लोग तुमको प्यार से बरकत अली बोलता है ना? यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब माई सन। आई हैव गॉन मैड। तुम कब से हमारे घर को आया और हम तुमको चाय कॉफी पूछने को ही भूल गया। चाय कॉफी तो मैं फिर कभी पी लूंगा, इस वक्त जरा जल्दी में हूँ, इधर से गुजर रहा था सोचा आपके दर्शन कर लूँ। चलता माँ जी। अच्छा, आएगा जरूर ना? जरूर माँ जी, जरूर। और सुनो, रीटा को बोलना हम उसको इधर मिस करता। जी जी, जरूर बता दूंगा। हाँ सेठ रामलाल बोल रहा हूँ। वो 5 करोड़ की जेवरात की चोरी याद है? जेवरात? हाँ हाँ, उस चोर ने पुलिस के डर से वो सारे जेवरात मुझे 5 लाख में ही बेच डाले। वैसे मेरी बात आप ही के खास दोस्त सेठ धर्मदास से हुई है। क्या बात हुई है? वो मुझे कुछ 6 लाख रुपए देने के लिए तैयार है। हाँ, अगर कोई 6 से ऊपर। 10 लाख दूंगा, मगर किसी को बताना मत। हाँ तो ठीक है, मैं कल आपका रेड डायमंड होटल में इंतजार करूंगा, कमरा नंबर 202। प्यारे भाई साहब जी, मैं 12 बजे ही आ जाता हूँ रोकड़ा लेकर। हेलो, बंद कर दिया। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे 5 करोड़ का माल, अरे 10 लाख में। धर्मदास, तुम्हारा एक साझेदार तुम सबको झांसा देकर तुम्हारी 5 करोड़ की ज्वेलरी किसी से 10 लाख में हड़प करने जा रहा है। कौन हो तुम? मैं कौन बोल रहा हूँ ये जानने की जरूरत नहीं है। और रही बात सबूत की, तो कल रात ठीक 12:30 बजे होटल रेड डायमंड कमरा नंबर 202 पहुंच जाइएगा, न 5 सेकंड पहले न 5 सेकंड बाद। और अगर आप चूके तो चिड़िया सारा माल लेकर फुर हो जाएगी। सेठ रामलाल सर, यू कम टू द राइट प्लेस सर। माय सेल्फ चिन्ना स्वामी, सेक्रेटरी टू परियार स्वामी मुदलियार। इन कम, आई मीन कम इन प्लीज सर। सेठ
ದಾರು ಎಲ್ಲ ತಿರುಚಿರ ಬೆಳ್ಳಿ 10 ಲಕ್ಷ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಗ್ ಒಂದಿಟನಾ ಚಲೋಕರ್ ಗಡಬಡ ಗಡಬಡ ತಾರೆ ವೇರ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಪಡಮ ಪಡಮ ತರಿಮಾ ಪಡಮ ಪಡವಾ ಪಡಮ ಕ್ಯಾಶ್ 10 ಲಕ್ಷ 10 ಲಕ್ಷ ಆಮಾ ಮಗ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಕಾ ಹೈ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಆ ಯೇ ಕ್ಯಾ ಡರ್ನಾ ನೀರ ಬ್ಯಾಗ್ ದೇಖ್ ಸರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಆ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಕಡಿ ಹೊಡಿಲೇ ಪಾಗಣಮ अरे वही है सारे देर बरात वही है ये मैं बैग एड़किरी आड़ा नी इन द बैग उन अप्पा दा इतने ये तन लक्ष्य रुपए जल रे येर की तो तेरे बा बैग रिटर्न एड़क तो लो हाँ माँ तेरा बहुत एंग्री है वो बोलता नो पड़म नो कैश एड़ा नो जो बढ़ रही सॉरी आई एम सॉरी तिरटा भैया ये रहा कैश 10 लाख रुपया रोकड़ा कैश कैश चेंज पन कर सर सर क्षमा याद क्षमा ओके ओके इंगे केल इंदे पर इवने के चल इवन तल नक्षत्र नल्ल इरुका सर बोलता यू आर अ वेरी लकी मैन इधर ही बैठो हां ये बात किसी को कहना मत ना ना इप इदले करेक्ट कैश इरुकदा इल्ल ना काउंट பண்ணி விடு सर बोलता पड़म गिन के आता कैश कैश गिन के आता तेरा हां हां गिन लो बेशक गिन लो ना ना वर्द की मुन्नले इवन विस्की कीस्की वड़ मनुकुड़ पारुक पारु सर बोलता सर को तोड़ विस्की देना तो विस्की हो जाए हम दोनों दो दो पैर विस्की अरे विस्की हम दोनों नमस्कारम सर हाँ वड़कम वड़कम रूम नंबर 202 இந்த பக்கம் ரைட் சைடுல இருக்குது போங்க थैंक यू வெரி பை 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 வணக்கம் बोलला यार कितना डाल लगा तेरा अरे भर भर के पिलाओ जी आज नहीं तो कब पीऊंगा डालो एक पैक और ये तो रामलाल 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 जी ये सीक्रेट तुम्हारा दोस्त लोग को मालूम पड़ गया तो मैं उनसे डरता हूं क्या मेरी इतनी ताकत है कि मैं चाहूं एक ही मिनट में उन सब का मुंह काला करके गधे पर बिठा सकता हूँ गधे पे गधे पे बिठाएगा वो सब मेरे गुलाम हैं मेरे जूते पॉलिश करने वाले ये कौन है ये कितना बचा सर 12:30 आपका गुलाम लोग मैं देखता है जाके ना 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 बिना पूछे दरवाजा मत खोलना नहीं जी, नहीं ना 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 तेरे को नाम का फिक्र तेरे को मालूम पड़ेगा तेरे को क्या होने वाला है दरवाजा तोड़ दो कहां चले गए सब लोग मेरे बॉस मेरे बाप मेरे खुदा अब की बार मुझे माफ कर दो अब की बार मुझे माफ कर दो तुम हमारे पुराने साथी हो इसलिए हम तुम्हें माफ कर देते हैं लेकिन आइंदा ऐसी गलती कभी ना हो नहीं नहीं तोबा 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 ऐसी गलती कभी नहीं होगी मैं कुत्ता हूं कौवा हूं मैं कुतिया हूं हेलो ठाकुर साहब आओ वेलकम शेरा वेलकम हीरा दोस्तों ये मेरी जवानी के वफादार साथी शेरा और हीरा हैं हेलो 14 साल जेल काटने के बाद आए तुम फौरन होटल रेड डायमंड जाओ और ये पता चलाओ कि रूम नंबर 202 में ठहरे दो मद्रासी मुदलियार और उसका सेक्रेटरी कौन है और हमारे चुराए हुए हीरे जवाहरात उनके हाथ कैसे लग गए जी जल्दी आना हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं जाओ हीरा तुम शेरा का पीछा करो और देखना कि कोई गड़बड़ ना होने पाए मेरा मतलब समझ गए जी हां जाओ मिस्टर मुदलियार मिस्टर मुदलियार तुम ठाकुर साहब के होटल में डांसर हो ना
बिल्कुल ठीक पहचाना तुमने। याद करो आज से कई साल पहले तुमने एक गरीब संगीतकार को बहुत ही बेरहमी से मारा था। याद करो उसकी बेकसूर बीवी को जिसे तुमने जिंदा आग में झोंक दिया था। तुम्हारी बदकिस्मती से उनका बेटा आज तक जिंदा है, जिसकी आंखों के सामने वो मंजर आज तक घुलता रहता है। याद आया तो तुम उस बाजा पेटी बजाने वाले दीनानाथ का पंडित दीनानाथ बोल हरामजादे, अंडरस्टूड? बोल मेरे पिता पंडित दीनानाथ को किसने मारा? बोल 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 बताता हूँ, बोल बताता हूँ पंडित दीनानाथ को। मेरे बाप को किसने मारा? कौन था वो? क्या नाम था उसका? बोल। ठाकुर, ठाकुर रणजीत सिंह। हाथ ऊपर करो विजय, मुझे मालूम हो चुका है कि तुम ही वो चोर हो जिसकी हमें तलाश है। तुम ही रॉबिन हुड हो और तुम ही बरकत अली। तुम्हारा कहना सही है अमर, मगर इस वक्त मुझे जाने दो। यू आर अंडर अरेस्ट विजय। दरवाजा खोल पिंकी।
पिंकी, पिंकी भैया, ये सब क्या है? कुछ नहीं हुआ पिंकी, कुछ नहीं हुआ। वो एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया पिंकी, फिकर मत करना। पिंकी, पिंकी दरवाजा खोलो। ये सब क्या है? विजय कहाँ है? अमर, अंदर देखो, विजय इधर आया है। मैं पूछती हूँ, बात क्या है? साहब, वो इस रास्ते से भाग गया। पीछा करो। इस फोटो पर फूल माला किसने लगाई? तुमने इस माला को उतारकर मिट्टी में फेंक दिया। जानते हो ये कौन है? ये हमारी स्वर्गवासी माँ है। ये तुम्हारी माँ है? हाँ, ये मेरी माँ है। उस विजय की माँ है जिसका तुम पीछा कर रहे हो। क्या बिगाड़ा है उसने तुम्हारा? चुप क्यों? बोलते क्यों नहीं? क्या बिगाड़ा है मेरे भाई ने तुम्हारा? पिंकी, जिस चोर के पीछे मैं ही नहीं बल्कि सारी पुलिस फोर्स पड़ी हुई है, उसका नाम है विजय, तुम्हारा भाई। नहीं, ये झूठ है। मेरा भाई ऐसा नहीं हो सकता। मेरी तरफ इस तरह क्यों देख रहा है? मुझे जब भी शक्ति की जरूरत होती है, मैं तुम्हारी तरफ देखता हूँ। क्या बात है बेटा? माँ, तुम्हारी तमन्ना थी ना कि मैं एक बड़ा और ईमानदार पुलिस ऑफिसर बनूं। हाँ? और तुम मुझसे बार बार ये भी कहती थी ना कि जिस चोर ने सारे शहर में तहलका मचा रखा है, मैं उस चोर को गिरफ्तार करूं और सजा दिलाऊं। बिल्कुल। लेकिन माँ, मैं उस चोर को गिरफ्तार नहीं कर सकूंगा। क्यों? ये मत पूछो। क्या हो गया है तुझे? वो एक चोर है, डाकू है, समाज का दुश्मन है, और तू एक पुलिस का अफसर होकर उसे गिरफ्तार नहीं कर सकता? इसका मतलब ये हुआ तेरी परवरिश में मुझसे कुछ कमी रह गई। कसूर तेरा नहीं, मेरा है। ऐसा ना कहो माँ, तुमने मुझे अनाथ को अपने सगे बेटे से ज्यादा समझा। दूसरों के बर्तन मांझकर अपने सर पे ईंटें ढो ढो कर मुझे बड़ा किया है। तुम भूखी रही हो, लेकिन मुझे तुमने सदा ही भरपेट खिलाया है। सदा ही तुमने मुझे अच्छी शिक्षा दी है। मैं जो कुछ आज हूं, तुम्हारा बनाया हुआ हूं, इसीलिए आज मजबूर हूं। ऐसा कौन सा हाथ आ गया है तेरे सामने जिसमें हथकड़ी डालने से तू हिचकिचा रहा है? ये वो हाथ है माँ, जिसने हर जगह तुम्हारे नाम की छाप लगा दी है। मेरे नाम की छाप? हाँ, तुम्हारा नाम लक्ष्मी है ना, उसने जहां भी चोरी की, लक्ष्मी की एक मूर्ति छोड़ गया। आज वो राज भी समझ में आया। कैसा राज? जल्दी बोल अमर, तू खामोश क्यों है? जो तू चुप रहे तो मेरा मरा मुंह देखे। बोल अमर। मैं जो कहूंगा तुम सह नहीं कर सकोगे। मैंने जीवन में इतना सहा है कि सहते सहते मेरा दिल पत्थर हो गया है, अब उसे कुछ भी तोड़ नहीं पाएगा। तो सुनो माँ, मेरा भाई कहाँ है? पिंकी, ये वही लड़की है ना जिसका तू अक्सर जिक्र किया करता था? हाँ, ये तुम्हारी बेटी है। मेरी बेटी? क्या खेल है किस्मत का। माँ समझ रही थी कि उसकी बेटी इस दुनिया में नहीं है, और बेटी समझ रही थी कि वो अनाथ है। लेकिन एक ही शहर में रहकर इतने अरसे बाद आज दोनों आमने सामने खड़ी हैं। अमर,
बेटी, मेरी बेटी, मेरी बेटी, मेरी बेटी, मेरी बेटी, मेरी पार्वती, 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 तुझे बचपन में देखा था और आज आज देख रही हूँ, लेकिन मेरा विजय, उसके पीछे पुलिस पड़ी माँ। पुलिस? पुलिस क्यों? यही बात कहते मेरी जुबान लड़खड़ा रही थी माँ, विजय ही वो चोर है। जिसे मैंने अपनी कोख से जन्मा, क्या वो एक चोर है? ये गलत है माँ, मेरा भाई ये चोर नहीं है। अगर ये सही है तो अमर जा, इसी वक्त उसके हाथों में हथकड़ी डाल दी। लेकिन ये झूठ है माँ, ये झूठ है। अमर, ये सच है माँ, विजय ही चोर है और विजय ही बरकत अली है। बरकत अली, जिसे आशीर्वाद देने में इतनी दूर चलकर तेरे साथ गई थी, जिसने अपना सब कुछ दुखी गरीबों में बांट दिया, जिसे गरीबों ने भगवान का अवतार कहा, क्या यही वो बरकत अली है जिसकी मैंने अपने दिल में पूजा की है? हाँ माँ, ये वही है। तो फिर वो बुरा आदमी कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, वो बुरा नहीं है, उसने तो मेरे पेट से जन्म लेकर मेरी कोख को धन्य कर दिया। कहाँ है वो? जल्दी मुझे उसके पास ले चलो, मेरी आंखें उसे देखने के लिए तड़प रही है। ये कौन बजा रहा है? विजय बजाया करता था। विजय, यह धुन भूली? नहीं बेटी, इस धुन में तेरे पिता की महक है ना। बेटी, मुझे 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 माफ कर दे माँ, मुझे माफ। दुनिया का कानून कुछ भी कहे, माँ का दिल कहता है तो निर्दोष है। बेटा, मेरा बेटा। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम्हारी माँ, इसकी माँ, इसके बाप का खून, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। जिस चोर को पकड़ने के लिए सारे पुलिस फोर्स ने रात दिन एक कर दिया, तुम उसे अपना भाई कहते हो, और जिस आदमी के हाथ में इस वक्त हथकड़ी होनी चाहिए वो हमारे सामने आजाद खड़ा है, ये क्या हो रहा है अमर? सर, इसको किसने पकड़ा नहीं, इसने खुद अपने आप को हमारे हवाले किया है और अपने पिता के खून का इंसाफ चाहता है, आपकी मदद चाहता है सर। कानून को ठोस सबूत चाहिए और उसके पास अपनी बातों के सिवाय दूसरा कोई सबूत नहीं। देखो, मैं एक पुलिस अफसर हूं और कानून के दायरे के बाहर मैं कुछ नहीं कर सकता। सर, पुलिस ऑफिसर सिर्फ एक बेजान कानून का पुतला नहीं होता, बल्कि एक इंसान भी होता है, उसके सीने में एक रहम दिल होता है। आखिर क्या चाहते हो तुम मुझसे? मैं ये नहीं चाहता कि सदा सिर्फ एक इंसान को मिले, सिर्फ एक चोर को मिले, बल्कि सदा उसे भी मिले जो गरीब और मासूम बच्चों को सड़क से उठाकर उन्हें चोर और डाकू बना देते हैं। मैं और कुछ नहीं मांगता सर, इसके बाद आप मुझे जो भी सजा दें मुझे मंजूर है। लेकिन तुम कहते हो
कि तुमने न कभी खूनी की शक्ल देखी न उसे पहचान सके। जी हाँ, आप सही कह रहे हैं, लेकिन जब मेरा खंजर हीरा की गर्दन पर था, मैंने उसकी आंखों में मौत का खौफ देखा और उसने मुझे खूनी का नाम बता दिया। और कमिश्नर साहब, मौत की खाट पे खड़ा हुआ इंसान कभी झूठ नहीं बोलता। नहीं कर सकेंगे आप। क्या मतलब? मतलब ये कि जिन हाथों ने मेरे बाप का खून किया, वही हाथ आपके साथ शतरंज की चाल चलते रहे। जिस आदमी ने मेरी जिंदगी को धूल में मिलाया, मैं आज तक उसी की नौकरी करता रहा। नाम? ठाकुर रंजीत सिंह। यकीन नहीं आता राणा, जिस पर हमें इतना नाज था, जो हमारी नौकरी करता था और जो सूरत से इतना शरीफ लगता था, वही विजय चोर निकलेगा। सूरतें अक्सर धोखा देती हैं ठाकुर साहब। अरे ये तो हमने देखा नहीं राणा, तुमने हमारा हाथी मार लिया। खैर, ये लो। ओफो, ओफो। जानते हैं, एक बात आपको बतानी भूल ही गया। उस चोर ने पुलिस को एक बड़ा अजीबोगरीब स्टेटमेंट दिया है कि उसके बाप का खून किया गया था। बाप का खून? जी जी। और जानते हैं वो कातिल किसे ठहराता है? किसे? आपको। मुझे? जी हाँ, यही उसका स्टेटमेंट है। अजीब मजाक है यार, तो फिर देर किस बात की है राणा? मुझे गिरफ्तार करवाकर फांसी पर चढ़वा दो। क्या बात कर रहे हो यार, गिरफ्तारियां ऐसे थोड़े होती हैं। अरे 15-20 साल पुरानी बात है यार, और फिर उसके पास कोई सबूत भी नहीं। समझ में नहीं आता, वो मेरे खिलाफ ये सब झूठ क्यों? इसका जवाब सिर्फ एक आदमी दे सकता है। कौन? हीरा। हीरा? वही हीरा जिसके बारे में आपने बताया था कि वो एक्सीडेंट में मर गया। वो मरा नहीं ठाकुर साहब, ये शय बची। मरा नहीं? जी नहीं, वो सेंट्रल हॉस्पिटल रूम नंबर 13 में बेहोश पड़ा है और बार बार आपका और किसी दीनानाथ का नाम दोहरा रहा है। पुलिस उसे होश में लाने की पूरी कोशिश कर रही है। आप शय बचिए ठाकुर साहब, आपकी मात हो गई। मैंने आपसे कहा था ना, एक न एक दिन आपको मात दूंगा। खूनी रंगे हाथों पकड़ा जाना चाहिए ताकि हमें ठोस सबूत मिल जाए। ओके, मुझे फोन करते रहो। भद्रा, भाग जाओ यहां से। आइए डैडी, आइए। वेलकम। मेरा शक कितना सही निकला, लेकिन कोई बात नहीं, आप फिक्र ना करें। मिली इन दो देवियों से? यह है विजय की महबूबा, जिसे आपने रखा था उसकी जासूसी करने, और यह है आपके दुश्मन की सगी बहन। ये दो लड़कियां उसकी जिंदगी में सबसे कीमती हैं। लेकिन विजय कहां है? अमर, सड़क पर एक लड़का यह खत मुझे देकर भाग गया। क्या है ये? तुम्हें पढ़ लो। क्या बात है? तुम्हारा भला इसी में है कि समुद्र के किनारे जो पुराने चर्च का खंडर है, वहां आज रात को 2 बजे अकेले आ जाना है। अगर कोई हथियार या आदमी साथ लाए या पुलिस को खबर की, तो तुम्हारी महबूबा रेखा और बहन पिंकी, जो हमारे कब्जे में है, दोनों को कत्ल कर दिया जाएगा। मैं खंडर में जाकर विजय को देखता हूँ। जी जी। मैं विजय को गोली मारूंगा। ठीक। गोली की आवाज सुनते ही तुम लोग वहां आ जाना। ओके। Thank you.
ये तोहफा आप दोनों के लिए। नहीं, इस कुत्ते ने हमारी नाक में दम कर रखा था। तेरे ये नाखून तुझे बहुत महंगे पड़ने वाले हैं छोकरी। डैन ठीक कहता था कि तू आस्तीन का सांप है, लेकिन तेरा जहर उतारने का तरीका हमारे पास है। hey! ले आओ उस साले बुड्ढे को और साथ में उसकी दवा भी लेते आओ। मेरी दवा, मेरी दवा, मुझे दवा दो। बेटी, मेरी बेटी, मेरी बेटी। तू समझ रही होगी कि ये बुड्ढा इलाज के लिए अमेरिका गया है, पर डैन ने इसे अमेरिका भेजा ही नहीं। पानी, पानी, बेटी, मुझे दवा दिला दो। दवा। चार चार घंटे में अगर इसे ये दवा नहीं मिली तो बेचारा बुड्ढा मर जाएगा। और चार घंटे पूरे होने में चंद ही मिनट बाकी हैं। मेरा दम घुट रहा है ठाकुर, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा ठाकुर, मैं मर जाऊंगा। मेरे बाबा को दवाई दे दो, रहम करो। तू गद्दारी करे और हम रहम करें, तेरी गद्दारी की सजा यही है कि तू अपनी आंखों के सामने अपने बाप को तड़प तड़प कर मरता हुआ देखे। नहीं, नहीं, तुम्हारे पाप बढ़ती हूँ, मेरे बाबा को बचा लो, बचा लो। बाबा को दवाई दे दो ठाकुर। ये किसने कहा? मैंने। बेटे, भैया, इतनी बड़ी महफिल में तुम्हें कोई कमी महसूस नहीं हो रही ठाकुर? कमी? हाँ, क्या लगता है? तुम्हारा प्यारा इकलौता बेटा डैन कहाँ है? अंडरस्टूड? कहाँ है? अरे अमर मियाँ, आपने तो उसे इतना ढीला बांधा है कि वो किसी भी वक्त रस्सी छुड़ाकर ओरंचू हो सकता है। यही तो मैं चाहता हूँ। दिमाग तो नहीं फिर गया आपका? उसका पीछा करते हुए हम भी उस जगह तक पहुंच जाएंगे जहां इस वक्त पिंकी और रेखा कैद हैं। अरे अरे वाह, बड़ी दूर की सोचते हैं आप, ये तो हमने सोचा ही नहीं। कहां है वो? बताता हूं, बताता हूं, सब कुछ बताता हूं, जरा हाथ छोड़ना भाई। छोड़ दो। हाँ ठाकुर, अब जरा रेखा के बाबा को दवाई दे दो। रेखा, बेटी, मेरी बेटी। हाँ तो ठाकुर, अब अपने लाडले बेटे से जरा दो चार प्यार भरी बातें कर लो। है हेलो अमर, अंडरस्टूड? हाँ हेलो, हाँ बोल। अपने बाप से बात कर, अगर कुछ उल्टा सीधा बोला तो खल खींच लूंगा। हेलो कौन? डैन? डैन, कहाँ हो तुम बेटे? बोलो, विजय जो कहता है वो करो, बोल जल्दी, बोल बाय बाय। विजय जो बोलता है वो कीजिए प्लीज, वरना मुझे मार देंगे। तुम कहाँ हो बेटे? मुझे कुछ नहीं मालूम, मेरे मेरे आंखों में पट्टी बांध कर लाए थे। अब बोल क्या बोलता है। तेरा खून खौलता था, तू बहुत बोलता था। तेरा खून खौलता था, तू बहुत बोलता था। अब बोल, बोल बोल, अब बोल क्या बोलता है, अब बोल क्या बोलता है, अब बोल क्या बोलता है, अब बोल क्या Yeah.
पंखे से लटका दूं, दरिया में फिकवा दूं, तू बोले तो आदमी से मुर्गा तुझे बना दूं। पंखे से लटका दूं, दरिया में फिकवा दूं, तू बोले तो आदमी से मुर्गा तुझे बना दूं। भीकर खून तू हम मजबूरों का, अच्छा गाते हो, बहुत खूब नाचते भी हो। शाबाश बेटे शाबाश। इसके हाथ बहुत चलते हैं क्या, पंच मारता है, टांगे भी मजबूत है क्या, किक मारता है, वाह। ले चलो इसे बांधो भट्टी में, बाकी मंडली को भी बांधो, एक एक से निपटूंगा मैं। बेटी, बेटी। पापा, पापा। छोड़ दो इसे, छोड़ दो इसे। मुझे मार डालो, तुझे को छोड़ दो प्लीज भैया। अब बोल क्या बोलता है। रम पम पम तरम पम पम। बोल बोल। बज गया ढोल तरम पम पम। बोल दीबन तरम पम पम। मुर्गा तुझे बना दूं टुकड़ों को।
और वो भी तंदूरी। बोल अब क्या बोलता है। आ गए तेरे दोस्त, बुला ले आखिरी गोली, आखिरी रस्सी और मामला खत्म। तुमने बुलाया और मैं आ गया। सलाम करो, सलाम करो। इसे नीचे उतारो वरना तुम दोनों की खोपड़ी गुल कर दूंगा। ए, उतारो उतारो। देखो अच्छे बच्चे जिद नहीं करते वरना पापा नाराज हो जाएंगे, मारेंगे। उतारो। हाँ उतारो। पुलिस ऑफिसर अमर साहब, क्या चाल सिर्फ पुलिस ही चल सकती है, हम नहीं? क्या आप समझते हैं कि मुझे मालूम नहीं कि आप मेरा पीछा कर रहे थे? मगर आपके पीछे जो हो रहा है देखना चाहेंगे। ये खिलौने को जरा इस तरफ देने की तकलीफ गवारा करेंगे? थैंक यू। माता जी के बगैर परिवार अधूरा लग रहा था ना, अब पूरा हो गया। शर्मा जेम्स कम ऑन। सुना यार, जरा ढीला बांधना, अगर भाग के निकल गया ना तो अपने हाथ से बिरयानी बना के खिलाऊंगा। काम कर दो सालों को। इतनी जल्दी क्या है बेटे, इन्हें तो मैं आराम से तड़पा तड़पा कर मारूंगा। नहीं। हाँ इसे गोली मार दूंगा तो ना तुझे मरने में मजा आएगा और ना ही मुझे मारने में। नहीं 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 नहीं, सबसे पहले कोड़े मार मार कर मैं तेरी खाल उधेड़ दूंगा। पिंकी नहीं, नहीं पिंकी। माँ तुम्हें कुछ समझ में आया? बिल्कुल, जो आपकी समझ में आया। बोल इसकी माँ है तू, बता वरना तेरी खाल खींच लूंगा। नहीं बोलेगी। तेरा बेटा कौन है? शक्ति के भगवान। माँ तू किसकी माँ है वरना तुम तीनों की लाशें कुत्तों में बंटवा दूंगा। बोल किसकी माँ है तू, बोल। बुढ़िया बोलती है कि नहीं? नहीं बोलेगी। शक्ति दे भगवान, शक्ति दे माँ। बिरयानी खिलाऊंगा, नहीं माना। ले ले
मुझे मरेगा, ये ले। मैंने मैं पंडित दीनानाथ का बेटा हूं, मेरे ही आंखों के सामने तूने मेरे बाप का खून किया था। याद कर कितने गरीबों को तूने जिंदा आग में झोंक दिया था, कितने गरीब अबलाओं की मांग उजाड़ दी थी तूने। रंजीत सिंह, आज अपने बेटे की हालत देख। मेरा बेटा, मुझे माफ कर दो रामजादे। जब तूने मेरे बेगुनाह बाप को नहीं छोड़ा तो मैं तुझ जैसे गुनाहगार को क्यों छोड़ू। बोल, क्या छोड़ दो। विजय को विजय कौन है? विजय भैया को। तुम्हें अपनी सफाई में जो कुछ भी कहना है कह सकते हो। मैंने किसी का खून नहीं किया, बल्कि सैकड़ों गरीबों का पेट भर के उन्हें चोर उचक्का और खूनी बनने से बचाया है। क्या ये जुर्म है? मैंने किसी का घर नहीं उजाड़ा, बल्कि सैकड़ों गरीब कुंवारी लड़कियों की शादी करवाकर उन्हें वेश्या बनने से बचाया है। क्या ये जुर्म है? मैंने अपने लिए माल खड़ा नहीं किया, बल्कि सैकड़ों गरीब और अनाथ बच्चों को रोटी कपड़ा और पढ़ने के लिए खर्चा दिया। क्या यह जुर्म है? अगर यह जुर्म है जज साहब, तो मैं अपना जुर्म कबूल करता हूं। मैंने किसी सच्चे ईमानदार आदमी की चोरी नहीं की है, मैंने उन झूठे और बेईमानों की चोरी की है जो सरकार से टैक्सों की चोरी करते हैं, जो गरीबों की लाशों पर पैसा कमाते हैं। यह मेरी भूल सही, गलत उसूल सही, कानूनन जुर्म सही, मगर मैं बार बार हर जन्म में वही करूंगा जो मैंने इस जिंदगी में किया है। यानी कि चोरी? नहीं, गरीबों की मदद।